हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी को बाल से रिलेटेड समस्याएँ देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है और आप इस समस्या से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो गाइज, ये रहा हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है खादी नेचुरल हर्बल हेयर क्लींजर। इसी के बारे में पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि इस प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट बात क्या है। इसको बनाने के लिए 100% नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं इसे मानता हूँ कि यह सबसे बेस्ट है। गाइज, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बाल को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके बाल को समय से पहले टूटने नहीं देता है। साथ ही नए बाल को उगने में भी मदद करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट जड़ी बूटी से बनाया जाता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, उससे सिर्फ फायदे होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वो हमारे लिए बेस्ट है। इसका अगला फायदा ये है कि अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों से डैंड्रफ जैसी समस्या से निजात दिलाता है और आपके बाल को क्लीन करता है, जिससे आपका बाल बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आपका बाल समय से पहले पकता है तो भी आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बेटर हो सकता है। ये पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे आपका बाल ज़्यादा नहीं पकता है और समय से पहले बिल्कुल नहीं पकता है। तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि गाइस यह आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया गया है। इससे हमें साइड इफेक्ट होने का बहुत ही कम चांसेस रहता है, इससे हमें सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। गाइस, इस शैम्पू का एक और बेनिफिट है कि इस शैम्पू का इस्तेमाल लड़का और लड़की दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए सूटेबल है, क्योंकि आजकल लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में बाल संबंधी समस्याएँ देखने को मिलता है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि हम लोगों का खान पान जो है थोड़ा अलग हो गया है, क्योंकि हम लोग भी शहर वालों के मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग ज़्यादातर बाहर से ही खाना खाते हैं। आजकल गांव वाले भी लोग बाहर जाकर ही खाना खाते हैं, होटल में जाकर खाते हैं ताकि अच्छा खाना मिले। दोस्तों, उसमें ज़्यादा तला हुआ और भुना हुआ ही मिलेगा आपको, वैसे हमारे लिए ही नुकसान है। अगर वैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे बालों के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें घर पर जो बना हुआ है उसको ही खाएँ, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।